मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, वैर सिटी जैकेट्स की पिछली वीडियो तुमने इतनी ज़्यादा पसंद करी है कि मेरे को एक और बनानी पड़ी। और अमेजोन से आपके लिए ऐसी 5 जैकेट्स लेके आए जिसमें से 2 वैर सिटी है एंड 3 थोड़ी सी अलग है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और हाँ, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सो डोंट माइंड मी अगर मैं बीच में ऐसी आवाज़ में बात करने लग जाऊँ बाई चांस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एंड मुझे लगता था कि यार अमेजोन के ऊपर ना वैर सिटी जैकेट्स इतनी ईजिली अवेलेबल हो नहीं रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर की बहुत एक्सपेंसिव आती है एंड जो ब्रांडेड आपको चीज़ें मिल रही जितने भी पूरा हॉल हुआ है ना, उससे भी 2-3 हज़ार ऊपर लगा के ले लो, तब जाके एक वैर सिटी जैकेट आएगी, उसमें मैं आपको 5 दिखाने वाला हूँ। तो अगेन अनदर बजट जैकेट। पिछली बार मैंने आपको ब्लैक दिखाई थी, इस बार हमारे पास आ जाती है इस तरीके की दिखने वाली वैर सिटी जैकेट, विच इज मरून इन कलर। इसका जो कॉलर है थोड़ा सा बड़ा है वैर सिटी के हिसाब से, बट इट विल डू द वर्क बिकॉज ये बजट में आती है। एंड पिछली वाली से अगर कंपेयर किया जाए इसको, इसका थोड़ा सा मटेरियल उससे ज्यादा फाइन है, नॉट मोटा बट या थोड़ा सा ज्यादा फाइन है, एंड प्रॉब्ली आफ्टर सम वॉशेज ये थोड़ा सा खराब होने लग जाएगा। बट आपको जितने प्राइस में ये देखने को मिलेगी उसमें आप कहीं भी छान मारो, कितना भी देख लो, आपको इस तरीके की जैकेट वो भी एक बेस्ट प्राइस पे नहीं देखने को मिलने वाली। आई एम श्योर अबाउट दैट। ब्रांड का नाम है नियो एम्बर एंड इसमें और भी आपको कलर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ग्रीन, ब्लू एंड प्रॉब्ली ब्लैक। मुझे ये वाला मरून कलर ज़्यादा पसंद आया। ग्रीन ठीक है, वो थोड़ा सा फंकी कलर में आ जाता है एंड थोड़ा सा लाइवली कलर है, मेरे को इतना लाइवली एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी अलग चीज़ें हैं। बट अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो अगर हम इसे थोड़ा सा पास लेके आएँ, कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इसके स्टर्डी है एंड यहाँ से स्टार्ट होता है इसका अंदर वाला मटेरियल। अंदर अगर हम बात करें तो आपको इस तरीके का हल्का हल्का फ्लीस देखने को मिलता है जो कि आपको वार्मथ देगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से लेयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सर्दी के लिए ये जैकेट नहीं है। ऑल्दो इसमें आपको और ज्यादा सर्दी वाली जैकेट्स में दिखाऊंगा। अगेन वैर सिटी की पहचान, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां कर लो, क्योंकि वहां पर मैंने ना डिफरेंस बताया था कि बॉम्बर और वैर सिटी में क्या होता है, तो यहां पर आपको प्रॉपर वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहां पर बटन क्लोजर है विच इज अगेन अमेजिंग, व्हाइट कलर के बटन दिए हैं जिसकी वजह से इसकी जो लुक है वो छुप नहीं रही है एंड पीछे से अगर बात करें तो इट विल लुक क्वाइट नाइस एंड क्वाइट अमेजिंग। अगर इन सब में से आपको कुछ भी पसंद आता है, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट करना मत भूलना। अब आ जाती है कुछ अलग जैकेट्स की बात, तो जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ वो है भैया ओल्ड स्कूल लेदर जैकेट, लेकिन इसमें भी आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हो, विच मीन्स लुक्स के साथ साथ आपको बजट में चीज़ें देखने को मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्राउन कलर्ड रियली सेक्सी जैकेट। देखो ये वाली ना आपने बहुत सारे स्टार्स को पहनते हुए देखी होगी, वो ऑब्वियसली एक हाई लेवल की पहनते हैं, एक ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं जिसमें आपको जो डिटेलिंग है ना उस पर वो पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी लुक इसकी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। मैं एक्चुअली देख रहा था कि कोई स्वेड वाली जैकेट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, बट लेदर की मुझे इस पैटर्न में मिल गई, सो इट इज़ लाइक रियली कम्फर्टेबल, रियली फाइन। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो अंदर इसके फर देखने को मिलता है। ये फर आपको ऐसा नहीं है कि भाई सर्दी से बचा लेगा या आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ये बचा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, इसकी जो लेयर है आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगी एक नॉर्मल वेदर में, जो कि जैसे दिल्ली में पड़ जाती है सर्दी, उसमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है इफ़ यू लेयर इट अप प्रॉपरली। और कलर की बात करूँ, ऐसा वर्सटाइल कलर आपको शायद ही देखने को मिलेगा। इस ब्रांड का जो नाम है वो है लेदर रिटेल। ये काफ़ी सारे और भी जैकेट्स बना रहे हैं जैसे कि बाइकर जैकेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। अगर एमआरपी की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 3999 का एमआरपी, जो आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भैया बजट में शॉपिंग कर रहे हो और सबसे अच्छी बात है इसकी जो फिटिंग है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है। पीछे से ये कुछ इस तरीके की दिखती है एंड आगे से ये कुछ ऐसी है, जैसे आप इसको पहनोगे फील्स तो भैया आने वाली है। अपना साइज के अकॉर्डिंग जरूर इसको लेना, क्योंकि फिटिंग अगर लेदर जैकेट की अच्छी नहीं होती है इट कैन रूइन योर लुक। लेदर जैकेट की बात कर दी है तो थोड़ी सी फंकनेस इसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांड मेरे पास है वो आ जाता है फुगाजी एंड इसकी वाली जैकेट आपने कहीं ना कहीं तो भाई पक्की देखी होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार नोटिस करा है, काफ़ी लोग इसको खरीदते हैं जस्ट बिकॉज दे लाइक द कलर। मुझे मेरे पास जब स्टार्टिंग में थी ना एक रेड जैकेट, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा पहनता था, मैंने वो सही बताऊँ तो पालिका से ली थी, 1000 रुपये की जैकेट, विच वॉज क्वाइट नाइस। बट इसमें आपको ऊपर देखने को मिलेगा इस तरीके से फर, तो ये शर्पा जैकेट प्लस लेदर जैकेट का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस तरीके की ये पूरी जैकेट दिखती है, ये थोड़ी सी ना फंकीनेस में जैसे कि मैंने आपको बताया आ जाती है एंड ये वाले में आपको साइजेस भी अवेलेबल मिल जाएंगे। क्वालिटी की अगर बात करूँ, अगेन यहाँ पर फॉर लेदर देखने को मिलेगा, दिस इज नॉट ओरिजिनल लेदर एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्विशी स्क्विशी सी चीज़ देखने को मिल सकती है। लेदर जैकेट्स में यूजुअली बिल्कुल जो मटेरियल होता है ना ऑब्वियसली वो चमड़े की बनती है, तो उसमें हार्डनेस आपको देखने को मिलती है, इनमें वो चीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लुक वाइज ये अलग लगते हैं। लेकिन भाई बजट देखा जाए इनका, वो आती है 8-10 हज़ार की, ये आती है आपके बजट में, तो क्या दिक्कत क्या है, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चॉइस ये बन सकती है। अब डेमन सैल्वाटोर को आप जानते ही होंगे, अगर आपने वैम्पायर डायरीज देखा है तो यूजुअली वो ब्लैक ही पहनता था और अपने आउटफिट्स में ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन होते थे वही रखता था, और हमेशा नोटिस करना वो जैकेट ना एक ही तरीके की पहनता था। तो अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप यू नो डाल सकते हो पैसा, उसके बाद आप जैकेट्स में इन्वेस्ट करो,
आप इसको लंबे टाइम तक चला सकते हो विद योर लुक्स चेंजिंग ऑल द टाइम। फुगाजी इज द ब्रांड जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड अगर एमआरपी की बात करें तो इसके भी एमआरपी भाई कुछ ज्यादा नहीं है, 2999 ओनली, 3000 का एमआरपी है, एमआरपी नॉट द एक्चुअल डिस्काउंटेड प्राइस। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस परचेज एज वेल, एंड फिटिंग इसकी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बस अपने साइज के अकॉर्डिंग बनाना। अब हम चलते हैं सबसे बड़ा पैकेट, देखो इतना ज्यादा है लेकिन ये सबसे ज्यादा लाइट वेट भी है। नेक्स्ट जैकेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आ जाती है फ्रॉम द ब्रांड ऑफ कैंपस सूत्रा। लेट मी जस्ट शो यू। अभी पिछले कुछ फैशन वीक्स में यूटिलिटी जैकेट्स बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, वहां पर एंट्री हुई थी एक और जैकेट की जिसको हम इस तरीके से बोलना चाहेंगे कि कैंपस सूत्रा की तरफ से आती है। दिस इज भाई ये बहुत ज्यादा मोटी है एंड प्रॉपर इसको पफर नहीं बोलेंगे क्योंकि पफर में ना आपको बहुत ज्यादा ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जो मैं आपको पहले दिखाई थी रेड टेप के हॉल में जो अमेजोन का ही था अगेन, जिसमें आपको प्रॉपर मोटे मोटे चीजें देखने को मिलती है, मोटा मोटा मटेरियल देखने को मिलता है। ये एक तरह से पफर ही है लेकिन इसकी जो क्वालिटी एंड ओवरऑल लुक है बिल्कुल भी पफर वाली नहीं है। ऊपर आपको बॉम्बर का पैटर्न देखने को मिलता है जो इसको स्टाइलिश बना देता है। एंड ये आपकी अगर हाई विंटर्स आती है यहाँ पर जहाँ पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर्स होते हैं उसके लिए एक परफेक्ट बन जाती है क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो हर कोई रॉक कर सकता है। प्राइस की अगर बात करें 3999 का MRP है, इतना आपको नहीं देना। बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। आई रियली लाइक दिस। मोटे मटेरियल में ना मैंने काफी कम बॉम्बर जैकेट्स देखे जो अच्छी लगे एंड यूटिलिटी के साथ साथ इसकी फंक्शनलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज नॉट अ बॉम्बर जैकेट क्योंकि नीचे से ये कुछ इस तरीके की दिखती है एंड नीचे से पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, तो इन्होंने इसको मर्ज करके एक हाइब्रिड टाइप की जैकेट बनाई हुई है विच इज रियली गुड फॉर द कंज्यूमर्स क्योंकि कैंपस सूत्रा बेसिकली टारगेट करता है उन ऑडियंस को जो कि कॉलेज में है। अगर आप कॉलेज में हो, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ बजट, यू कैन गो फॉर दिस एंड रॉक दिस। ऑल्दो इसकी फोटो में देखकर लगता है कि ये थोड़ा सा वेलवेटी मटेरियल, अगर वो होता तो भाई और ज्यादा मजा आता, लेकिन वेलवेट को ना मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी जो ग्रेस होती है ना वो अलग ही लगती है। स्टिल आई एम हैप्पी विद द फैक्टर कि ये मोटी है, पफर्ड है हल्की हल्की एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट इवन इफ यू आर गोइंग टू लद्दाख। लास्ट जैकेट मेरी लिस्ट पे लेकिन नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट क्योंकि मैं चाहता हूं हमेशा एंड में हम सरप्राइज खोले, तो फुगाजी की तरफ से एक और वैर सिटी जैकेट की अनबॉक्सिंग आपके सामने करते हैं। मैंने अभी खुद नहीं खोली है तो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइस पहले, उसके बाद दिखाऊंगा। ओ माई गॉड दिस इज नाइस, द मटेरियल इज क्वाइट फाइन। MRP आपको दिखा दूँ तो पहले 2999 का MRP है भाई, इसको देख लेना उल्टा करके क्योंकि मैं जैकेट की जो लुक है वो रुइन नहीं करना चाहता। द जैकेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वो भी वैर सिटी वर्जन, ये है भाई बढ़िया, दिस इज द वन, बजट में मिलती है आपको और ये एक प्रॉपर वैर सिटी की फंक्शनैलिटी आपको देगी। यहाँ पर आपको दिखता है लोगो जो कि है अपना यूनिवर्सिटी का, जिस तरीके से यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी होता तो भी ज़्यादा सही था। एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर एक अच्छी जैकेट देखने को मिलती है। फुगाजी इज अ ब्रांड जो कि ना काफ़ी फंकी डिज़ाइनर क्लोथ्स बनाता है, उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ है दिस कैन बी पॉलिएस्टर बट ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्लीस अंदर से, ये फ्लीस के साथ साथ आपको अच्छी वार्म्थ प्रोवाइड करेगा। एंड जो आपको 700-800 वाली दिखाई है अभी मरून वाली, उससे थोड़ी सी हैवी क्वालिटी है ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा प्राइस भी इसका ज्यादा है। आई एम नॉट श्योर ये स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ये काफी ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, लोग जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं। मुझे खुद एस में मंगवानी पड़ी, इतनी बुरी हालत थी, एम मिलती तो ज्यादा अच्छा था बट आई थिंक दिस विल फिट क्वाइट नाइस। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड येलो इज ऑलवेज ऑसम, मैं अपने थंबनेल्स में भी यही यूज करता हूं, तो अगर आपको पसंद आती है इस तरीके की वैरायटी जैकेट यू कैन गो फॉर इट। पीछे से बिल्कुल प्लेन है, ऑल्दो अगर पीछे कुछ प्रिंट होता तो और ज्यादा अच्छी होती एंड नीचे से इसका जो ऐसे तरीके का इलास्टिक आ जाता है, अगेन एवरीथिंग इज अमेजिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। इस बार हम एम करते हैं क्योंकि पिछली अगर हम वीडियो के हिसाब से व्यूज देखें 10,000 लाइक्स कर दो यार, अगर ये लाख से ऊपर जाते हैं 10,000 लाइक्स तो कर ही सकते हैं, 10% होता है 10,000 का। डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि काफी लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, दे डू नॉट सब्सक्राइब, तो यहाँ पर लाल बटन जो आ रहा है उसको भैया कर दो ग्रे। एंड आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।